तो जो WWE का आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो हो चुका है खत्म। ये था फाइनल शो रेसलमेनिया 40 से पहले, लेकिन एंडिंग वैसी नहीं हुई जैसे कोडी के फैंस चाह रहे थे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली जो रॉ का एपिसोड था वो जस्ट अभी खत्म होकर हटा है। आई नो शायद तुम लोगों मेरी आवाज हल्की सी अजीब साउंड कर रही होगी, बेसिकली मैं हल्का सा ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ बिकॉज रॉ की जो एंडिंग है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी है जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो हुआ क्या, शो की ओपनिंग के अंदर सेथ रॉलिंस चैलेंज करते हैं द रॉक या फिर रोमन रेंज में से किसी एक को एक मैच के लिए, चाहे वो ब्लड लाइन रूल मैच हो, चाहे वो स्टील केज मैच हो या फिर कुछ भी हो। इसकी जगह हमारे द रॉक रिजेक्ट करते हैं आइडिया को और वो सोलो सिकॉय को देते हैं कि वो फेस करे सेथ रॉलिंस का एक मैच के अंदर और ये ब्लड लाइन रूल्स मैच रहेगा। अब इस मैच में जब ब्लड लाइन रूल था तो ऑफकोर्स जिमी उसो वगैरह के भी डिस्ट्रैक्शन होती है एंड इवन जब मैच खत्म होने चलते तो आखिर में हम लोग देखते हैं कि सेथ रॉलिंस रिंग के बीचों बीच में पड़े हुए हैं और वहां से द रॉक की एंट्री होती है। द रॉक को लगता है भाई उन्होंने सेथ रॉलिंस को फंसा के रख लिया है, लेकिन सेथ फिर स्माइल करते हैं और पीछे से कोडी रोड्स की एंट्री होती है। कोडी रोड्स आते भाई वहां से दौड़ते हुए, ये दोनों मिलकर लगातार जो द रॉक है उनके ऊपर अटैक वगैरह करते हुए नजर आए। ये लोग अनाउंसर्स टेबल्स के ऊपर भी हमारे ड्वेन जॉनसन को ले जाते हैं। वहां पे अब क्या करते हैं हमारे कोडी, वो लेते हैं द रॉक को एक पूरा जो रॉक बॉटम लगाने के लिए। उससे पहले रोमन रेंज आ जाते हैं, रोमन रेंज खींचते हैं भाई टांग वांग और उसके बाद जाके जो कुटाई होती है वो सेथ और कोडी की भयंकर वाली हुई है। पहले रिंग साइड पे होती है, फिर रिंग के अंदर ले जाया जाता है, जो वेन बेल्ट थी अमेरिकन नाइटमेयर वाली वो निकालते द रॉक, उससे मारते दोनों सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को। और कुछ इस तरीके से जो मंडे नाइट रॉक का एपिसोड है वो एंड होता है। मुझे लगा शायद कोई आएगा तीसरा बंदा, क्राउड भी इवन सीएम पंक पता नहीं ऐसे कुछ चैंट्स कर रही थी, लेकिन वहां पे कोई भी अपीयर नहीं हुआ एंड आखिर में एक ब्रूटल बीट डाउन हुआ। फिर जो कोडी की टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह वो फाड़ दी जाती है और उसके ऊपर भी चमचम करके बेल्ट्स पड़ती है। तो ये कुछ रॉक की एंडिंग हुई है। ऑफकोर्स कोडी के फैंस ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा शायद इस बार कोडी फाइनली रिवेंज लेंगे, लेकिन चीजें वैसी तो नहीं हो पाई है। बाय द वे और भी कुछ अपडेट्स जो कि मैं तुम्हें आने वाली आज वीडियोस के अंदर बताऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून रहना क्लैश ऑफ द कैसल और भी कुछ अपडेट्स। चलो लेकिन इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।